राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 5 साल की एक बच्ची में मंकी पॉक्स के लक्षण देखने के बाद एहतियातन जांच के लिए उसका सैंपल लिया गया है और यह बच्ची खुजली से परेशान थी और इसके शरीर पर चकते भी पड़ रहे थे। वहीं गाजियाबाद के सीएमओ ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि उस बच्ची को स्वास्थ्य संबंधी कोई दूसरी समस्या नहीं है। वहीं सीएमओ के मुताबिक बच्ची के शरीर से लिए गए सैंपल के जांच पुणे भेजे गए हैं और जहां से 24 घंटे के बाद इसकी रिपोर्ट आएगी। वहीं उन्होंने कहा कि बच्ची को फिलहाल आइसोलेट कर दिया गया है और उसके शरीर में दिख रहे ये लक्षण किसी अन्य बीमारी का भी हो सकता है। हमारे पास कल एक बच्ची आई थी जो 5 साल की है, पटना से आई थी कान दिखाने के लिए। वो कान का इलाज करने जब बच्चा मेरे पास आया मेरे चैम्बर में, तो उसके पूरे शरीर पे मैंने कुछ लीजन देखे जो पॉक्स जैसे लीजन थे। इमीडिएटली मैंने उसकी फैमिली हिस्ट्री ली और उसकी मम्मी से पूछा कि ये किसी और को तो घर में नहीं है। पता लगा कि 4 बच्चों को और हैं घर में। फिर उनकी हमने इंडिविजुअल हिस्ट्री पूछी, कोई फ़ौरन से तो नहीं आया है या किसी के संपर्क में तो नहीं आए हैं। उसके बाद मैंने सीएमओ ऑफिस में इंटीमेट किया कि इस तरह का बच्चा मेरे पास आया है जिसको मैंने आइसोलेट करके अपने अस्पताल में रखा है। सीएमओ ऑफिस से उनकी सर्विलेंस टीम आई और उसके बच्चे के सैंपल उठाए। सैंपल उठा के उनको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे भेजा गया है ये रूल आउट करने के लिए कि वो मंकी पॉक्स है या कोई साधारण पॉक्स है। लेकिन क्योंकि ये डाउटफुल केस था और इसमें आजकल क्योंकि मंकी पॉक्स पूरे संसार में फैल रहा है, तो हमने ये एक्शन लिया और अभी उसकी रिपोर्ट अवेटेड है। उस वक्त तक हम ये नहीं कह सकते कि ये मंकी पॉक्स है या नहीं है, लेकिन पॉक्स के सारे सिम्टम और लीजन उसके पास थे बच्चे के। बच्चा अभी मेरे पास एडमिट है और वो आइसोलेशन वार्ड में है। थैंक यू। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए कोबरा पोस्ट हिंदी को सब्सक्राइब करें और अलर्ट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। और हाँ दोस्तों, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिए।